الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العلي العظيم गुज़िश्ता कई हफ्तों से दरसे कुरान की जगह दीनी कुछ बातों के मुज़ाकरे का सिलसिला चल रहा है और हर हफ्ते कुछ न कुछ अहम और जरूरी बातें जिनका ताल्लुक हमारे दीन से है वो बातें आपके सामने अर्ज की जा रही हैं। आज भी इसी ताल्लुक से एक खास उनवान के मुतालिक बातें अर्ज करेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह खुद मुझको भी और आप हजरात को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अगर आप जायजा लें तो बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया और अल्लाह की सारी ही नेमतें तकरीबन ऐसी हैं कि अगर अल्लाह न करे वो नेमतें वापस ले ली जाएं तो फिर दुनिया की कोई ताकत नेमतों को वापस नहीं दिला सकती। तकरीबन सारी नेमतें ऐसी या अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ना देने पर आए तो फिर कोई दुनिया की ताकत वो नेमत दिलवा नहीं सकती। उन्हीं बेशुमार और लामुतनाही नेमतों के अंदर एक अल्लाह की अजीम नेमत है जिसे हमारे यहां कहा जाता है औलाद की नेमत। ये भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर अल्लाह ही अपना फजल फरमाए तो ये नेमत बंदे को हासिल होती है, वरना तो दुनिया की कोई ताकत ये नेमत इंसान को नहीं दिलवा सकती। जो लोग इस लाइन में परेशान है उनसे जाके मालूम करें कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी ये नेमत हासिल नहीं कर पाते जब तक अल्लाह की तरफ से फैसला ना हो जाए। आजकल हमारे मुआशरे में जो आज मुझे बात अर्ज करनी है ये तो बहुत जगह हमारे सामने आता है कि माँ बाप के ये हुकूक हैं, माँ बाप की इन बातों का ध्यान रखो, इन बातों का ध्यान रखो, लेकिन माँ बाप के जिम्मे अल्लाह ने औलाद के भी कुछ हुकूक रखे हैं, माँ बाप को भी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस मजलिस के अंदर बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे कि जो माशाल्लाह अपनी औलादों की तरबियत से फारिग हो गए होंगे, बल्कि अब आगे औलादों की भी औलादों के सिलसिले शुरू हो गए होंगे। आप जिस स्टेज पर भी हैं, अपनी औलादे हैं या आगे अभी पोते नवासे इनकी तरबियत का मामला है, ये बातें हर एक के लिए काबिले याद रखने के, हर एक शख्स इन बातों को याद रखे। और जो हजरात अभी कम उम्र हैं, आगे अल्लाह ने चाहा उन्हें भी ये नेमतें मिलेंगी तो वो उन मौकों के ऊपर इस्लामी तालीमात और हिदायात को याद रखें। औलाद के लिए माँ बाप को किन चीजों का एहतमाम करना चाहिए आज खास तौर से हमें और आपको इस मजलिस में ये समझना है। देखें, सबसे पहले तो इस बात पर गौर दीजिए कि अपनी औलाद के दीनदार होने की दुआ हमें करनी चाहिए।
दुआ के अंदर इसको शामिल करें अपनी कि ए अल्लाह हमारी औलाद को और आगे की हमारी तमाम नस्लों के अंदर दीन का शौक और जज्बा पैदा फरमा। ये दुआ के अंदर हमारी मुस्तकिल शामिल होना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, औलाद का मिलना तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर औलाद मिले और वो नाफरमान हो जाए तो फिर यकीन जानिए जिंदगी इतनी तल्ख हो जाती है, इतनी ज्यादा कड़वी जिंदगी बे औलाद की नहीं होती जितनी साहिब औलाद की हो जाती। अगर औलाद राहे रास्ते सीधे रास्ते से भटक जाए तो जितनी परेशानी मां बाप को होती है वो सोच नहीं सकते। तो अपनी दुआ के अंदर सबसे पहली चीज मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि तमाम लोग अपनी दुआ में अपनी औलादों के सही रास्ते पे कायम होने की दुआ शामिल करें। ये चीज हमारी हर दुआ में होनी चाहिए। हजरात अंबियाए किराम उनकी जिंदगी में जब हम देखते हैं ना तो तमाम अंबिया हमें अपनी औलादों के लिए दुआ करते हुए नजर आते। तमाम अंबियाए किराम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा को तामीर फरमाया, सारा मामला हुआ, इतने बरगुजीदा पैगंबर हैं, लेकिन जरा अल्फाज देखें दुआ किन अल्फाज में कर रहे हैं। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, हजरत इब्राहिम की दुआ है। ए अल्लाह मुझको भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। ये हजरत इब्राहिम की दुआ है। अगर मैं और आप इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर ले कितनी बड़ी सआदत की बात होगी अपनी सगी औलाद के लिए, पोते पोतियों के लिए, नवासे नवासियों के लिए। इस दुआ को सोच करके हर नमाज के बाद मांग लिया करें, रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, हजरत इब्राहिम के अल्फाज हैं। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कुरान में नकल कर दी कि मेरे बंदे इब्राहिम ने देखो कैसी दुआएं की। खाने काबा बनाया, अल्लाह का घर तामीर किया है, अल्लाह का घर बनाने के बाद भी ये दुआ कर रहे हैं, कितना मुबारक मौका है। उस मुबारक मौके पे ये दुआ की और देखें अल्लाह ने फिर कबूल भी कैसी की है। कल भी एक जगह प्रोग्राम था, मैं वहां ये बात वाजे कर रहा था कि अल्लाह ने ऐसी कबूल की, ऐसी कबूल की कि हजारों नबी अल्लाह ने इनकी औलाद में नाजिल फरमा दी। हजारों नबी आए हैं, सबसे पहले दो बेटे दिए अल्लाह ने, इसहाक और इस्माइल, अल्लाह ने दोनों को नबी बना दिया। इसहाक के घर में लड़का पैदा हुआ, उस बेटे का नाम है याकूब, अल्लाह ने उस याकूब को नबूवत से सरफराज फरमा दिया। हजरत याकूब के घर में लड़का पैदा हुआ, उनका नाम है यूसुफ, अल्लाह ने उनको भी नबी बना दिया। चार चार नस्लें नबी होती चली जा रही है। और उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम की औलाद में अगर नबियों की तादाद को शुमार किया जाए तो 7-8 हजार के करीब बनती है जाकर जो उनकी औलाद में तशरीफ लेकर के। ये क्यों इतनी बरकतें मिल रही हैं? आप तमाम चीजों को एक तरफ रखें, आप ये गौर करें कि ये बंदा दुआ क्या कर रहा है। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह तू मुझको भी दीनदार बना दे, नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। सिर्फ ये दुआ की है अपनी औलाद के हक में। लिहाजा तमाम लोग इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल फरमा लें। जिनके निकाह नहीं भी हुए ना, मैं उनसे भी कहता हूं दुआ करो। क्यों? इसलिए कि जब आप दुआ करेंगे ए अल्लाह मुझको और मेरी औलाद को नमाजी बना दे तो दो चीजों की ऑटोमेटिक दुआ हो जाएगी। काहे की दुआ हो जाएगी? एक तो दुआ हो जाएगी कि मेरा निकाह हो जाए, और दूसरी दुआ हो जाएगी कि निकाह के बाद औलाद भी हो जाए, जब ही तो नेक बनेगी। इसलिए तमाम लोग
कम उम्र से लेकर के और जो आगे बड़ी स्टेज पर पहुंच गए माशाल्लाह, तमाम लोग इस दुआ का एहतमाम करने की आदत डाले। यकीन जानिए जब नस्लें सुधरती हैं ना तब इंसान को जिंदगी का मजा आता है। नस्लों में जब दीन जिंदा होता है, और वरना तो हमारी जिंदगी का खुलासा क्या है? आप कभी सीरियसली बैठ करके सोचे, किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है, वो मस्जिद में कहलवा देता है कि हाफिज जी कुछ बच्चों को भेज दो कुरान पढ़ के मेरे बाप को सवाब पहुंचा दे। इस औलाद को इतना नहीं होता कि ये खुद सवाब पहुंचा सके। क्या किया इसने, क्या कमाया इस बाप ने अपनी औलाद से? कुछ भी नहीं, ये तो सिफर बटे सिफर रहा। जिस बाप की औलाद मरने के बाद उसे सवाब तक न पहुंचा सके, ऐसी औलाद का फायदा क्या हो रहा है? आप इस बात को जरा गौर किया करें बैठ करके। मैंने अपनी निगाहों से वो नजारे देखे कि जहां पे बाप का जनाजा रखा है और बेटा जनाजे के अलग खड़ा हुआ है, उससे कहा कि हजरत आप भी तो नमाज में शरीक हो जाओ, वालिद मोहतरम की जनाजे की नमाज है। उसका जवाब था, मैंने खुद सुना था कि मुझे जनाजे की नमाज आती नहीं है। मैं उस मौके पे यही बात सोच रहा था कि तेरे पीछे अब चाहे सारा शहर खड़ा हो जाए, लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती कि अपनी औलाद नमाज पढ़ने के भी काबिल नहीं है। ये कितनी इंसान के लिए अफसोस और गम का मकाम है कि हमने क्या दीन और क्या तरबियत उनकी की हुई। तो अपनी तरफ से मेहनत भी करनी है औलाद की तरबियत पे, अल्लाह से दुआ भी करनी है। पहले अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मैं अच्छे इरादे रखता हूं, आप इसको आसान कर दीजिए। और फिर मेहनतें भी करनी है, वो आगे भी हम अर्ज करेंगे। तो अगर अरबी में ये कलिमात आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर अरबी में याद ना हो तो आप उर्दू में भी मांग लें, तब भी कोई हरज की बात नहीं है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति वमिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। इसी तरह से कुरान पाक ने मामला नकल किया हजरत याकूब का। कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي। हजरत याकूब के जब इंतकाल का वक्त आया और तमाम औलादें वहां पर बैठी हुई थी, तो हजरत याकूब ने अपने दुनिया से जाते वक्त में अपनी औलादों से क्या खिताब किया वो जरा सुने। हमारे यहां आप देखेंगे जब बाप का आखिरी वक्त आने वाला होता है और औलादों को पता लगता है कि अब ये जाने वाले हैं और दुनिया से जाने का वक्त करीब है, तो बाप के भी दिमाग में सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की चल रही होती है कि किसको कितनी देके जानी है, किसको कितनी देके जानी है। औलाद भी इसी उधेड़ बुन में रहती है कि अब्बा हमारे नाम कितनी जमीन करेंगे और हमारे नाम कितनी जमीन करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, का इंतकाल का वक्त आ रहा है, अपने सारे बेटे वहां पे मौजूद हैं, उनसे मुखातब होकर के कह रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे? ये आखिरी वक्त का सवाल है हजरत याकूब का। कौलू नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाहा वाहिदा। उन सब ने कहा, आप परेशान न हो, हम आपके दुनिया से जाने के बाद उसी खुदा की इबादत करेंगे जिसकी आप करते रहे, उसी खुदा की इबादत करेंगे, उसी खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे जिस पे हमारे बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक चले हैं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारेंगे। हजरत याकूब को तसल्ली हो गई और दुनिया से रुखसत हो गई। ये देखें आखिरत की फिक्र, जिंदा है तब औलाद के लिए दीन की दुआ, और दुनिया से जा रहे हैं आखिरी वक्त में अपनी औलाद को अल्लाह की याद दिला के जाना, अल्लाह का सबक पढ़ा करके जाना, क्योंकि देखा यह गया है कि औलादें कुछ भी भूल जाए
जाएं, लेकिन जो उनके माँ बाप मरते वक्त कह कर जाते वो इंसान के जमीर पे हमेशा दस्तक देता रहता। कह रहे मेरे वालिद ने आखिरी नसीहत की थी, कितना अच्छा हो कि अगर हमारे यहाँ पे दुनिया से जाने का वक्त किसी का आए और वो अपनी औलादों को ये नसीहतें कर रहा हो कि बेटा कभी जिंदगी में नमाज की नागा न करना, कभी जिंदगी में जकात और रोजों में गफलत न करना। अगर जबान के ऊपर ये नसीहतें हो तो आप जरा सोचें नजारा कितना अच्छा होगा, लेकिन कहां देखने को मिलता है। ये हजराते अंबियाए किराम की जिंदगियां जो है ना, ये हमें नमूना दे रही है कि आप इसके मुताबिक चलो, जिंदा हो तो वो दुआ करो, आखिरी वक्त आए तो औलाद को ये नसीहतें करके दुनिया से रुखसत हो, ताकि उनके दिल पे वो बातें जमी रहे और जिंदगी भर उन्हें आखिरी वक्त के सबक अपने याद रहे। ये नसीहतें की जा रही है। चुनाचे हुक्म है तरबियत का कि तरबियत करनी है। अब तरबियत का मामला क्या होगा, अब जरा सुने। सबसे पहला मरहला आता है हमारे यहां बच्चे की विलादत का। बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में आ गया। अब हमारे यहां बहुत सी मर्तबा क्या देखने में आ रहा है, जैसे ही नर्स वगैरह ला करके बच्चे को बाप की या मां की गोद में देती है, गोद में लेने के बाद सबसे पहला काम होता है कि एक सेल्फी लेके जल्दी स्टेटस पे डाल दो कि हो गया ये अफलातून। एक सेल्फी लेंगे, अभी वही बिस्तर पे पड़ी हुई है, उसके फोटो स्टेटस पे अपलोड हो जाएंगे। अभी कोई काम नहीं हुआ, अभी वो पैदा हुआ, सेल्फी पहले ली जाने लगी। मेरे प्यारों जरा गौर करो कि उसकी जिंदगी का आगाज हमने हराम काम से कर दिया, अपने बच्चे की जिंदगी का आगाज हराम काम से कर दिया। इसीलिए हदीस मुबारक में आता है कि जब औलादों को अल्लाह उनके गलत आमाल की सजा देंगे तो वो अल्लाह से अर्ज करेंगे, या अल्लाह जिन्होंने हमारी तरबियत गलत की थी जरा उनसे भी तो सवाल कीजिए, जिन्होंने हमारी तरबियत गलत की, जिन्होंने गलत रास्ते के ऊपर हमें डाला जरा उनसे भी तो मालूम कीजिए, खाली हम ही क्यों गलती भुगते। जैसा हमें इन्होंने रास्ता दिखाया हम तो उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। होना क्या चाहिए था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म अता फरमाया कि जैसे ही बच्चे की विलादत हो कोई और काम नहीं करना, सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान और बाएं में इकामत कह दो। पहला काम दुनिया में आने के बाद ये होना चाहिए कि उसके बदन में, उसकी बॉडी के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच जाए, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। पहला सबक ये चला जाए। तवज्जो किया करें इस बात की तरफ, और जो माहौल हमारे यहां बनता चला जा रहा है उसमें डूबा ना करें, ये फोटो कशियों में ना लगा करें। उस वक्त में ये अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत के साथ उसी वक्त में इतनी बड़ी नाफरमानी ना किया करें, वरना अल्लाह कादिर है। अल्लाह जैसे नेमतें देता है अल्लाह वैसे ही लेना भी जानता। फिर अल्लाह ना करे कोई दिक्कतें हो गई, परेशानी हो गई, फिर आपको पता है कैसे कैसे हालात होते, कितनी परेशानियां हो। सबसे पहला काम फरमाया कि दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहकर उसके दिल में, दिमाग में, पूरी बॉडी में सबसे पहले तुम अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की बड़ाई उतार दो, लिहाजा इसका इत्तेमाम किया करें। हमने अपने मुआशरे में देखा कि विलादत होने के बाद दो दो चार चार पांच पांच घंटे गुजर जाते हैं, अब तक अजान ही नहीं हुई। क्या हो रहा है, अजी वो मस्जिद से मौलवी साहब आएंगे वो आकर के अजान देंगे। अजान तो माशाल्लाह सबको याद है, सबको याद है। उस मौके के ऊपर सबसे पहले आप अजान दे दीजिए उसके कान में, चाहे कोई हो दूसरा या न हो, लेकिन अगर आप ही मौजूद हैं खुद ही दे दीजिए। फिर चाहे बरकत के लिए किसी दूसरे
नेक और सॉलिह शख्स से भी दिलवा दें, लेकिन सबसे पहली मर्तबा फौरन अजान दे देनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह की बड़ाई के साथ में हो जाए। जो कोई भी वहां मौजूद, गुज़िश्ता साल दरसे कुरान में यहीं पर एक ने सवाल लिख के पूछा था कि अजान फजर वाली दें या जोहर वाली दें, हमारी कौम आगे पहले उलझ जाती मसलों। अब इसमें अटक गए कि फजर वाली दें या जोहर वाली। मैंने कहा जैसे आजकल फजर की नमाज छोड़ी जा रही है, इस हिसाब से तो बेहतर यही है फजर वाली दे दो ताकि फजर में सबसे पहले उठे। कोई पाबंदी नहीं है, फजर वाली दे दें, जोहर वाली दे दें, कोई सी भी दे दें, मकसद है अल्लाह का नाम, अल्लाह की बड़ाई उसके दिमाग में उतर जाए। कोई सी भी दे दें, मसलों में ना उलझा करें। कोई उस वक्त में मसले ले आता है कि भाई दाढ़ी वाले से दिलवाएं या बगैर दाढ़ी वाले से। अगर मौजूद है कोई अल्लाह का नेक बंदा, दाढ़ी वाला, शरई मुशर्रा आदमी, बेहतर है कि उससे दिलवाएं, लेकिन अगर नहीं है तो जो मौजूद हो उसी से दिलवा दे ताकि बच्चे की जिंदगी अल्लाह के नाम के साथ शुरू हो सके। फिर चाहे आप बरकतन बाद में किसी से भी दिलवा दें, शरीयत दोबारा को मना नहीं करती, लेकिन आप बहरहाल अव्वल वक्त इस काम से फारिग हो जाएंगे। तो विलादत होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? नंबर एक, अजान। कौन से कान में? दाएं कान। अच्छा, दाएं कान में अजान का मतलब ये नहीं, कुछ लोगों को देखा कि वो बड़े इहतमाम से देते हैं अजान, बच्चे को दे देंगे दूसरे की गोद में और खुद बैठेंगे स्टूल विस्टूल डाल के और उसका दाया कान पकड़ के बिल्कुल कान में को अजान देंगे। ऐसा जुल्म ना किया करें बच्चों, वो अभी पैदा हुआ, उसके आजा बहुत नाजुक हैं और हजरत वहां फुल स्पीड में अजान देने पे लगे पड़े बिल्कुल उसके कान के ऊपर मुंह करके, ये नहीं करना चाहिए। नॉर्मली तरीके पर आप बच्चे को गोद ले लें, सर उसका इस जानिब रखे, टांगे इधर होंगी, खुद ही खुद उसका इधर बाया कान आ जाएगा और दूसरी जानिब दाया होगा, उसको जरा सा करीब कर ले। अब करीब करके थोड़ा सा आगे होकर के दाएं कान की तरफ होकर के थोड़ी दूर से अजान दे, जब उधर से फारिग हो जाए बच्चे को और थोड़ा सा दूर करके इधर बाया होगा उसमें अजान दे। आसानी से अजान दी जा सकती है, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन सब हजरात इसका अव्वल वक्त में इहतमाम किया करें। तो दाएं में अजान, बाएं के अंदर इकामत। अजान और इकामत से फारिग होने के बाद दूसरा काम क्या करना है हमें और आपको? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ फौरन क्या शुरू हो जाता है? अगला काम हमारे यहां पर नाम क्या रखना है, इसका नाम क्या रखना है। अब नाम में पैदा होने के दो बाद बहुत दूर की है, जब बच्चा होता भी नहीं ना और अभी होने में एक दो महीने होते हैं तो माँ बाप रात में लेट कर गूगल पे सर्च शुरू कर देते हैं बेबीज नेम लिख करके। अब वो बॉयज के नाम भी देखते हैं, गर्ल्स के भी, पता नहीं क्या पैदा हो जाए, जो होगा वही नाम। अब मुफ्ती गूगल से मसले पूछ रहे और वो वहां पे नाम आ रहे निकल निकल के, सारे नाम सबने सेलेक्ट कर लिए, ये नाम ये नाम ये नाम, इनमें से कोई से रखेंगे, और वो पैदा हुआ उन्हीं में से इंतखाब हो रहा है। हुजूर ने क्या ये इरशाद फरमाया, अच्छे नाम रखना ये मां बाप की जिम्मेदारी है। अजीब अजीब हमारे मुआशरे के अंदर नाम रख दिए जाते हैं, ये पसंदीदा नहीं है। हदीस मुबारक में हुजूर अली सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तुदाउन यौमल कियामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। अल्लाह के नबी फरमाते कियामत के दिन अल्लाह तुमको तुम्हारे नाम और तुम्हारे बाप दादाओं के नाम लेकर के बुलाएगा, फअहसिनु अस्माअकुम, अपने नामों को अच्छा रखो, बेहतरीन नाम का इंतखाब किया करो। सबसे अच्छे नाम अब कौन से है, इसका कानून और उसूल जरा समझ ले। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहब्बुल अस्माही इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान। अल्लाह को सबसे ज्यादा जो महबूब नाम है वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है।
अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। उलेमा ने लिखा है कि खाली अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान ही नहीं बल्कि अल्लाह के 99 नाम हैं। उन 99 नाम में किसी भी नाम के साथ आगे अब्द लगा करके वो नाम रख दिया जाए तो वो अल्लाह का महबूब नाम बन जाए। 99 में से कोई सा भी लगा ले, अल्लाह का नाम अल कुद्दूस अर रऊफ अर रहीम अल मालिक, ये सारे अल्लाह के नाम हैं। इनमें से कोई सा भी नाम लगा दें, कोई सा भी नाम लगा दें और उसके शुरू में अब्द लगा दें और वो अपने बच्चों का नाम रख दें तो ये सारे नाम अल्लाह के यहां महबूब नाम होंगे। 99 नाम तो आपको यही मिल गए। अगर आपका को अल्लाह तौफीक दे तो इन 99 नाम में से कोई एक नाम मुंतखब करें अपनी औलाद के लिए। इससे नीचे अगर उतरना है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबियों के नाम पे नाम रखो या अल्लाह के महबूब बंदों के नाम पे नाम रखो। 125 लाख अंबियाए किराम आए हैं, आप उनके नाम पे नाम रखिए। ये सारे के सारे रखना बेहतरीन होगा। अब देखें हजरत आदम, आदम ही रख दें। सारी इंसानियत का आगाज वहां से हो रहा है और आदम कोई रखता नहीं नाम, घबराते हैं आदम रखते हुए, पता नहीं क्यों डर लगता है। कितना मुबारक नाम है, तमाम इंसानियत की जड़ और तमाम रसूलों की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। वो नाम पाकीजा नाम है, वो रखें अपनी औलादों का। 125 लाख के करीब अंबियाए किराम है, इतने उम्दा उम्दा नाम है। कई नबियों के नाम कुरान में है, कई नबियों के नाम हदीस में है। जरूरत पड़े उलमा से मालूम कर लें, वो नाम रखें अपनी औलादों के। इसी तरह नबियों के बाद सहाबा के नामों में से अपने नामों का इंतखाब करें अपनी औलाद। जब आप अपनी औलादों के नाम नबी के नाम पे सहाबा के नाम पे रखेंगे ना तो हर शख्स की एक फितरत है बड़े होने के बाद अपने नाम की जुस्तुजू करता है कि मेरे नाम की हिस्ट्री क्या है। जब वो बड़ा होगा और उसका नाम अबू बकर होगा, बड़े होने के बाद फितरी तौर पे शौक होगा कि अबू बकर की हिस्ट्री पता करूं। और जब वो हिस्ट्री पता करेगा तो खुद समझ आएगा कि हजरत अबू बकर की जिंदगी क्या थी। दिल में शौक होगा कि काश मैं भी अपनी जिंदगी ऐसी बना, कुछ ना कुछ तो असर आएगा उसके अंदर। तो नबियों के नाम या सहाबा के नाम या अल्लाह के महबूब बंदों के नामों में से इंतखाब किया करें। ये गुड्डू पप्पू शन्नू बन्नू जिन्हें क्या क्या चलते हैं हमारे, ये कोई ये तो बीच के नाम रखते हैं ना, ये मर्दों के से नाम है ना औरतों के से नाम है, समझ में नहीं आता किस कंपनी के नाम। और ये मुआशरे में मुसलमानों के चल रहे हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं नामों के। इसलिए बहुत समझदारी के साथ नामों का इंतखाब किया करें। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, यहां एक बात और बता दूं आपको कि देख लेते हैं ये लफ्ज कुरान में आया लिहाजा नाम रख लो, कुरान में आया है नाम रख लो। भाई खाली किसी लफ्ज का कुरान में आ जाना ये नाम रखने की वजह नहीं बन सकता। कुरान में तो हर चीज का जिक्र है, कुरान में तो जानवरों के भी नाम आए हैं। अब आदमी ने वहां से नाम देख लिया, अब पता चले वही नाम रख लिया, पता लगा कि वो जानवर का नाम था। चुनाचे हजरत तालवी ने लिखा है कि एक देहात में मेरा जाना हुआ, वहां देखा एक औरत बैठी हुई रो रही, उसका बच्चा मर गया था और वो चीख रही है, हाय रे मेरा इबलीस मर गया, मेरा इबलीस मर गया। हजरत ने कहा कि इबलीस मर गया। दूसरे ने जाके पता किया तो मालूम हुआ इसने अपने बच्चे का नाम इबलीस रखा था। उससे कहा कि बहन तूने ये इतना गलत नाम क्यों मुंतखब किया, कहने लगी अच्छी मैंने तो कुरान में देखा था। तो कुरान के अंदर तो सारी चीजें हैं, ये मुंतखब करके उलमा बताएंगे कि क्या नाम होना चाहिए।
कुरान के अंदर तो सारे ही अल्फाज आएंगे। कुरान में जानवरों का भी जिक्र है, काफिरों का भी जिक्र है, शैतान का भी जिक्र है, लेकिन हम उन नामों से थोड़ी ना अपने नाम रखते चले जाए जब तक वो यकीनी तौर पे ना पता लगे कि ये सही नाम है। गुज़िश्ता साल बताया था दरसे कुरान में ख़वातीन में नाम चल रहा है शीबा, किस कदर वाहियात नाम है। किसी से कहो कि गलत नाम है, अजी 29वें पारे में कुरान की आयत है यौमय्यजअलुल्विल्दान शीबा, इसलिए रख रखा है। बाबा तर्जमा तो देख लो उसका, तर्जमा क्या हो रहा है। अल्लाह फरमाने कियामत का दिन इतना खतरनाक है कि जो जवानों को बुढ़ा बना देगा। शीबा के माना खुसट बुढ़ा, एक तो बुढ़ा होता है और एक वो होता है जो बिल्कुल बुढ़े से कि बुढ़े का भी वालिद हो, उसे बोला जाता है। बिल्कुल इंतहाई खाल लटकी हुई हो, मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, वो कैफियत, उसके लिए ये लफ्ज शीबा बोला जाता है। अब ये नाम हो गए हमारे यहां पर, सुना होगा आप हजरात ने मुआशरे में ये नाम, लेकिन गौर करें कि कैसे कैसे नाम। उसी मौके पे मैंने बताया था कि एक जगह मैं गया, उन्होंने कहा बेटा अशर खाना लेकर आओ, अशर। मैंने कहा ये नाम आपने कहां से रख लिया था, कुरान में है अशर, कुरान में है। मैंने कहा कुरान में तो नहीं, लेकिन अल्लाह के बंदे ये तो देख लेते, अल्लाह ने शैतान की सिफत बताई है कि शैतान अशर है। अशर के मतलब होते हैं शरीरों का भी शेख, बदमाशों का भी उस्ताद, उसको बोला जाता है कुरान की जबान में अशर, यानी टॉप का बदमाश। अब उन्होंने कुरान में देख करके नाम रख लिया कि कुरान में। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब तक सही शख्स से, किसी सही आलिम से नाम मालूम न कर लें, उस वक्त तक एतमाद न करें। लोगों को हम बताते हैं कि ये नाम गलत है, वो कहते हैं गूगल पे इसके माना बहुत अच्छे दे रखे हैं। आपको तो खुद पता है ये सारा गूगल सिस्टम, सारा 99% ये ईसाइयों और यहूदियों के हाथ में, ये सारी चीजें उनकी अपलोड की हुई। तो वो लोग अलग अलग गलत गलत नामों के अच्छे अच्छे मीनिंग दे देते और हमारे मुसलमान समझते हैं कि शायद यही माना सही है और हम उसकी तहकीक पर एतमाद करके नाम रख लेते हैं। वो उल्टे सीधे माना दे देते हैं, हमें क्या पता कि वाकई इसके माना यही है। इसलिए हरगिज एतमाद न किया करें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये तुम्हारी औलाद का हक है कि पैदा होने के बाद अजान दो, दाएं में बाएं में इकामत कहो, तीसरा हक बताया उसके लिए बेहतरीन नाम का इंतखाब करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो सबसे पहले अब्दुल्लाह या अब्दुल रहमान या अल्लाह के 99 नामों में किसी नामों के साथ अब्द लगाना, ये नंबर एक पर है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया नबियों के नामों में से इंतखाब करें। तीसरे नंबर पर बताया सहाबा और बुजुर्गान दीन के नामों में से इंतखाब करें। और चौथे नंबर पर हुजूर अली सलाम ने इरशाद फरमाया ये जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं ये अपनी सनद के एतबार से कुछ कमजोर रिवायत है, लेकिन बहरहाल हदीस के अंदर ये मजमून आया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखा, हुजूर फरमाते मैं खुद उसकी शफाअत करूंगा। मोहम्मद नाम रखना अपनी औलादों का कितनी बड़ी सआदत की बात है। अब पता है आदमी, कई लोग हमसे ये नाम पूछ के गए, उन्होंने जाके अपनी औलादों का नाम मोहम्मद रखना चाहा, तो घर में कुछ औरतें होती हैं बड़ी बूढ़ी जो रेडीमेड मुफ्तन होती, उन्होंने कहा मोहम्मद ना रखना। अजी अम्मा क्यों नहीं रखे नाम मोहम्मद, कहा सभी से गालियां देंगे, हमारे नबी की तौहीन होगी। बहुत बड़ी अम्मा जी, तुमने पहले ही टारगेट बना लिया, पोता इतना हुनरमंद होगा कि गालियां खाएगा लोगों की, पहले ही पता है इनको कि पोते को गालियां पड़ने वाली हैं आगे जाकर। ये क्या मतलब बनता है लोग गालियां देंगे, तो गालियां तो कुछ भी नाम रखो हरकत करेगा तो गालियां तो पड़ेंगी पड़ेंगी।
लेकिन नाम अच्छा रखना हमारा काम है, अच्छे काम करना फिर ये उसका काम है, वो करे ना करे, लेकिन हम अपने अच्छे नाम रख के हम तो अल्लाह के यहां बाइज्जत बरी हो जाएं। हजरत मुहद्दिसीन के यहां मैंने पढ़ा कि पांच पांच नस्लों तक सबका नाम मोहम्मद, बेटे का नाम मोहम्मद, पोते का नाम मोहम्मद, पड़पोते का नाम मोहम्मद, सकड़ पोते का नाम मोहम्मद, लकड़ पोते का नाम मोहम्मद, सारे मोहम्मद। वो अपना नसब कैसे बताते थे? मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद, इस तरह से। क्या परेशानी की बात है, हजरत सहाबा और ताबीईन, ताबीईन के अंदर लफ्ज मोहम्मद नाम रखने का बहुत रिवाज रहा, लेकिन अब हमारे यहां क्या चल गया, हम जब तक उसको मिक्स ना कर दें किसी के साथ, जब तक मजा नहीं आता, हम और आप गलीम के बहुत आदि हो गए, हर चीज में मिक्स करना, मिला दो, जो कुछ बचा कुचा है सब डाल दो। अब लफ्ज मोहम्मद को मिक्स करो किसी के साथ में, तब मजा आएगा। आप इस खालिस नाम को रखें, बेहतरीन नाम, लिहाजा ये भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। इसी तरह दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्दकुल अस्माई इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के नजदीक सबसे सच्चा नाम क्या है? फरमाया हारिस। क्या? हारिस। दूसरा नाम बताया हम्माम। हदीस का मजमून बता रहा हूं, हुज़ूर फरमा रहे सबसे ज्यादा सच्चे नामों में से ये दो नाम है, हारिस और हम्माम। ये दो नाम आप गौर करें, कितने कम मिलेंगे। हारिस तो मोहल्ले में एक आध का हो सकता सुनने में आ जाए आपको, हम्माम तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आज तक हम्माम साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। अल्लाह के नबी फरमा रहे सबसे ज्यादा सच्चे नामों में से है, लिहाजा इस नाम का इंतखाब करें। कहते हैं ना नया चाहिए, नया चाहिए तो लीजिए नया, रखें इसको जाकर के। हारिस और हम्माम, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि ये सबसे ज्यादा सच्चे नामों में से, इसका इंतखाब करें। तो अल्लाह के नामों में से लें, उसके साथ अब्द लगाकर, या नबियों के नामों में से लें, या सहाबा और बुजुर्गान दीन के नामों में से लें, या खुद हुजूर का लफ्ज मोहम्मद या अहमद या कोई सा हुजूर के नामों में से नाम रखें, या पांचवें नंबर पर बताया कि हारिस और हम्माम, इन तमाम नामों की फजीलत खुद हुजूर ने हदीस में बताई है, इन नामों में से अपनी औलादों के नाम का इंतखाब करना चाहिए। एक वबा आजकल चली है काहे की, तारीखी नाम। अरे तारीखी नाम निकलवाओ इसका, अब वो कुछ भी निकल जाए वो नाम रख देते हैं। सब लोग याद रखें इस बात को कि तारीखी नाम निकलवाने की या उसके रखने की कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं है तारीखी नामों की, और ना ही उसको निकलवाने की कोई फजीलत है। अगर किसी को शौक हो और निकलवाना ही चाहता हो तो निकलवाने के बाद मैं मशवरा ये देता हूं कि किसी आलिम को वो दिखला लें कि हजरत इस ये नाम निकलवाया है, ये तारीखी है, आप ये बता दें कि इसके माना भी सही है या नहीं है। अगर कोई आलिम उसको सही कह दे कि हाँ ठीक है भाई, ये माना आपने जो लफ्ज आपने नाम निकलवाया है ये सही है, तो फिर आप उसे रख सकते हैं। लेकिन तारीखी नामों को सिर्फ तारीखी की बुनियाद पे कि तारीखी नाम में ये रख दिया जाए, रखना ये कोई सवाब का काम नहीं, कोई फजीलत की चीज नहीं, कोई इसके ऊपर अजर सवाब नहीं। उसको चेक कराएं बगैर अपनी औलादों का नाम ना रखें तारीखी नाम भी। इसलिए इस बात का भी खास ध्यान रहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नामों के सिलसिले में बच्चों की हिदायत अता फरमाई। क्या क्या हो गया? पैदा होने के बाद सबसे पहले क्या करना है? सब बोलिए अजान। दूसरे नंबर पर इकामत। तीसरे नंबर पर खाली नाम नहीं, अच्छा नाम, और नया नाम भी नहीं, अच्छा नाम, ये लफ्ज होना चाहिए। नाम अच्छा हो, नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा नाम होना। और अच्छे का मतलब मैंने आपको पूरी वजाहत से समझा दिया है कि अच्छा कौन सा नाम होगा, वो वजाहत आप सारी सुन चुके। उसके बाद जब ये आपका नौमौलूद बच्चा सातवां दिन आ जाए इसकी विलादत से, तो फिर सातवें दिन आपको दो काम और करने, दो काम बल्कि ये कह सकते हैं तीन काम है सातवें दिन के। नंबर एक अकीका, नंबर दो बाल कटवाना, नंबर तीन अगर अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ तो अब ये डेडलाइन आ गई है, अब आज सातवें दिन नाम फाइनल हो जाना चाहिए, सातवें दिन नाम भी रख दिया जाए। ये तीन काम है सातवें दिन के। नंबर एक क्या बताया, अकीका, नंबर दो बालों का काटना, नंबर तीन नाम अगर अब तक फाइनल नहीं हुआ तो आज उसे फाइनल कर दें सातवें दिन। अकीका, अगर अल्लाह ने लड़की की नेमत अता फरमाई है तो आप सबको पता है कि लड़की की तरफ से कितने बकरे, दो बकरे या बकरी, बकरे भी हो सकते हैं बकरी भी हो सकती है। ये भी एक गलत फहमी हमारे यहाँ के लड़के की तरफ से बकरे ही होंगे और लड़की की तरफ से बकरी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप लड़के की तरफ से दो बकरियां भी कर सकते हैं तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी, या अगर दो की गुंजाइश नहीं है तो एक कर दे तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी, या अगर एक की भी गुंजाइश नहीं है तो बड़े जानवर कर दे, बड़ा जानवर कर दे, उसमें भी अकीका अदा हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा जानवर होगा उसमें ये बात याद रखना फिर वो सारा का सारा अकीके का ही होगा। ये नहीं कर सकते कि कसाई से कह दिया पांच हिस्से दो रख लेना बेच लेना, दो हिस्से हमें बेच देना, दो के हम तुझे पेमेंट कर दें, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा का पूरा जानवर फिर फ्री ही में खिलाया जाएगा जिसको भी हो, चाहे तो आप उसमें अपना वलीमा कर लें और चाहे बच्चे का अकीका कर लें, कुछ भी कर लें। वलीमा और अकीका तो जमा हो सकते हैं, वलीमा और अकीका जमा हो सकते हैं, कुर्बानी और अकीका जमा हो सकते हैं। दो चार हिस्से कर लिया आपने कहा ये वलीमे में बोझ बन जाएगा, दो तीन हिस्से बच्चे का ये अकीके का हो जाएंगे, हो जाएगी दोनों चीज ऐसा हो जाएगी। या बकरीद आ रही है और उसमें चार पांच हिस्से तो हो गए कुर्बानी के और एक दो हिस्से हमने ले लिए उसमें काहे के अकीके के, उसमें भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि कसाई से कह दिया चार पांच तू बेच देना और एक दो हमें दे देना, ऐसे अकीका अदा नहीं होगा। समझ रहे ना आप जरा। अब आप सोच रहे होंगे वलीमे में बच्चे का अकीका कैसे इकट्ठा होगा, दूसरी शादी हो रही हो माशाल्लाह, जज्बात बुलंद रखी है ना अपने माशाल्लाह, क्या हर्ज की बात है। तो पहली वाली से बच्चे का अकीका हो रहा है, दूसरी वाली का वलीमा हो रहा है, साथ में जमा हो जाएंगी दोनों चीज। अच्छा डर लग रहा होगा आपको कि ख्वातीन भी सुन रही है। अब क्या है दूसरा हल देख ले। मिसाल के तौर पर बड़े भाई के यहां बच्चे की विलादत हुई है उसका सातवां दिन है और छोटे भाई का निकाह हुआ है उसका वलीमा है, तो बड़ा भाई चार पांच हिस्से अपने वलीमे अकीके के लिए ले ले एक दो हिस्सा और जो चार पांच हिस्से बचे बाकी वो छोटा भाई वलीमे में कर दे, तब भी अदा हो जाएगा। समझ रहे ना आप बात को, इस तरह से अकीका हमारा अदा हो सकता है। और लड़की अगर है तो एक बकरा या एक बकरी कुछ भी करने अकीका अदा हो जाएगा। लड़की के लिए बिचारी के लिए ये ही जरूरी नहीं कि बकरी हो, अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया आप बकरा लाके करने और अच्छी बात है, बकरा अदा हो जाएगा। लिहाजा सातवें दिन पहले नंबर पे अकीका करना। अच्छा अकीका करने में ये कोई जरूरी नहीं कि हम दावत करें पकाएं खिलाएं, कुछ नहीं, घर पे जानवर लाइए, बकरा जेबा करिए, गोश्त कराइए, थैलियों में पैक करिए, रिश्तेदारों में भिजवा दीजिए, खुद पका के खा लो जब दिल करे, छुट्टी, कोई केस नहीं। देखेंगे इतनी आसानी से निपट जाएगा। लेकिन हमें तो कहां मजा आता है जब तक हम पहले से बुक ना कर लें अकीके के लिए।
जब तक खुराफात टॉप की ना कर ले तब तक मजा नहीं आता। सातवें दिन किया करें, सुन्नत के मुताबिक करें, जीबा कराएं और गोश्त पैक करा के घरों में भिजवा दें। आपकी भी टेंशन खत्म, आने वालों की भी टेंशन खत्म। जिस दिन उनका बिरयानी का दिल करेगा वो मटन में बिरयानी बना लेगी। आपने आज बुला लिया, आज उनका दिल नहीं कर रहा था, उनका दिल कर रहा मैं परसों को खाऊं, तो ठीक है आप अपने घर में परसों को ही बना लेना। समझ रहे हैं ना, इस तरह से आप सबको दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, ये नहीं कि सारा का सारा बांट के ही निपटाना है, खुद भी आप खा सकते हैं और दूसरों को भी खिलाएं, सबको आप दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए अकीके का इंतजाम किया गया। अगला काम बाल, अगर बच्चे के बाल कटवाने मुमकिन हो तो उसके उस्तुरे से सातवें दिन बाल साफ करा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया है हदीस मुबारक में कि उन बालों का वजन करके चांदी दिलवा दिया करो, उन बालों के वजन के बराबर चांदी सदका कर दिया करो। होती कितने से हैं बाल, जो छोटे बच्चे हैं कितने से वजन के बाल होते, और चांदी वैसी कोई बड़ा मामला नहीं है, उनके वजन के बराबर चांदी सदका कर दिया करें। चांदी के सदका करने का बालों के साथ में इंतमाम करें। ये सब सातवें दिन का मामला है। और अगर नाम नहीं रखा गया तो आज सातवें दिन क्या रख दें, उसका नाम रख दें। ये तरतीब याद रखनी चाहिए हमें और आपको। अल्लाह ने हमें ये हिदायात दी है बच्चों के सिलसिले में खास तौर से। इसी तरह बच्चों के ताल्लुक से एक बात ये याद रखना कि औरतों में एक बात मशहूर है कि जब तक बच्चा दूध पी रहा है, रोटी नहीं खा रहा, उस वक्त तक उसका पेशाब पाक है। औरतों में ये बात मशहूर है। कुछ औरतें पूछती हैं तो मालूम ये हुआ कि वो ये समझती हैं जब तक रोटी ना खाए तब तक पेशाब पाक है, क्योंकि दूध पी रहा है और दूध पाक है तो पेशाब भी पाक होगा। दलील देने कितनी अच्छी लाइन है कि दूध पी रहा है तो पेशाब कर रहा है, तो बस दूध ही तो पिया, दूध पाक है तो पेशाब भी पाक होगा। कोई कितना सा भी छोटा सा भी बच्चा हो, अगर वो दूध भी पी रहा है या दूध भी नहीं पी रहा, अगर वो पेशाब करेगा, उस बच्चे का पेशाब उतना ही नापाक है जितना बड़े आदमी का नापाक है। कोई रियायत नहीं है बच्चे और बड़े के पेशाब में, कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक हुक्म है। इसको भी याद रखना चाहिए। इसी तरह हमने घरों में औरतों को देखा, छोटा बच्चा है उसे पॉटी पे आजकल आमतौर से पेशाब कराते, वो वहीं बेड के नीचे रखी रहती है, निकाल के रखा और बिठा कर उसे फारिग करा दिया, कोई अरज नहीं, कराएं उसके ऊपर फारिग। आप डरे ना कि कहीं मुफ्ती साहब पॉटी को मना नहीं करने जा रहे हैं, कोई अरज नहीं, कराएं उस पर। लेकिन जैसे बड़े आदमियों के लिए हुक्म है कि जब पेशाब पाखाना करें तो रुख उनका किबले की तरफ नहीं होना चाहिए, इसी तरह बच्चों के लिए भी हुक्म है जब उन्हें पॉटी पे बिठाया जाए तो उनका चेहरा या पीठ किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए, वरना माँ बाप गुनाह कबीरा में मुर्तकिब होंगे। गुनाह कबीरा है, इसमें गफलत हो रही है आजकल, इसलिए मैंने इसको खास तौर से आपके सामने अर्ज किया है। अपने घरों में खवातीन को खास तौर से समझाना कि जब इनकी पॉटी को रखा करें तो उसका रुख भी या पीठ उसकी किबले की जानिब नहीं होनी चाहिए, इस तरह से रखने का एहतमाम किया करें, वरना अल्लाह ना करे वो करेंगे और गुनाह माँ बाप को मिलेगा। और किबले की तरफ रुख करके पेशाब करना या पाखाना करना ये शरअन गुनाह है, कबीरा है, लिहाजा इससे भी एहतियात करनी चाहिए। ये वो चीजें मैं बच्चों के ताल्लुक से बता रहा हूं जिनमें आजकल हमारे यहां गफलत हो रही है, एहतमाम करें इन बातों का। इसी तरह अगली चीज कि बच्चों के अंदर जब वो बड़े हो जाएं और तकरीबन 7 साल की उम्र के नजदीक पहुंच जाएं तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अब उनको नमाज का शौक दिलाया करें, नमाज का इंतजाम करें। और 10 साल के होने के बाद हुजूर ने फरमाया अब तो उनकी पिटाई शुरू करें, नमाज का इंतजाम बचपन से। 7 साल में आदत डालनी शुरू करें और 10 साल में सख्ती करनी शुरू करें। हालांकि फर्ज नहीं हुई अभी,
पर होगी के बालिग होने के बाद, लेकिन जब ये 7 साल और 10 साल से नमाज पढ़ने की आदत डालेंगे तब इनके अंदर नमाज उतरेगी जाकर, उनको नमाज का आदि बनाए। अब 10 साल के हो गए, मस्जिद में लाए, उन्हें नमाज पढ़वाए। मस्जिद से एक बात मुझे याद आई कि बच्चों को जब मस्जिद के अंदर लाएं तो कहां पे खड़ा करें, ये एक बड़ा झगड़ा रहता है हमारी मस्जिदों में। मैंने देखा कहीं कहीं पर कि अगर किसी बच्चे को ला करके किसी ने पहली सफ में खड़ा कर दिया, बाद मस्जिदों में हंगामे हो जाते हैं कि नमाज ही नहीं हुई, कोई कहता है नमाज नहीं हुई, बच्चा पहली सफ में खड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है, या कोई बच्चा बेचारा पहली सफ में आ गया, अब आने के बाद जब वहां पे जगह पहुंची, अब अगला आदमी आया, वो क्या करता, कान पकड़ के उसका पीछे की सफ में खड़ा कर देता, वो बेचारा वहां से वहां ट्रांसफर हो गया। अब जब दूसरी सफ भरनी शुरू हुई, वहां तक आदमी आए, उसने गर्दन पकड़ के तीसरी सफ में पहुंचा दिया, बेचारे ने नियत बांध दी थी पहली सफ में सलाम बेरता गेट के पास, हो कहता आज के बाद आऊंगा ही नहीं आगे, आऊंगा ही नहीं आगे, क्या फायदा, ये नमाज में मुझे मेराज करा रहे हैं, उल्टी उल्टी नियत बांधो आगे पहुंचा देते पीछे। सब लोग मसला याद रखना कि जो बच्चा ऐसा हो कि जो नमाज पूरे ध्यान से पढ़ता हो, यकसुई से, इधर उधर नहीं देख रहा, कोई दंगा नहीं कर रहा, कोई शरारत नहीं कर रहा, वो बच्चा अगर पहली सब में भी खड़ा हो जाए तो नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है उसके पहली सब में भी खड़ा होने में। 10 साल का भी अगर वो बच्चा है, 9 साल का भी अगर वो बच्चा है और पहली सब में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो दंगा नहीं करता, शरारत नहीं करता, यकसुई से अपनी नमाज पढ़ता है, तो उसे हरगिज हिलाने की जरूरत नहीं, उसे वही नमाज पढ़ने। अलबत्ता इतना याद रखा करें कि बिल्कुल मिंबर मेहराब के पीछे बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है मेहराब के पीछे, ये बड़ी नाजुक जगह होती है, इमाम को कुछ गलत ही लग जाए लुकमा देना पड़ता, वुजू वगैरह टूट जाए तो बाद मरतबा दूसरे को इमाम बनाना पड़ता है, तो ये जो सेंसिटिव जगह है, नाजुक जगह है, इस जगह पे बच्चा ना खड़ा करे। इसके अलावा पहली सफ में, कोने में, किनारे साइड में खड़ा है तो कोई हरज की बात नहीं है, जर्रा बराबर इस पे लड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जो बच्चे दंगा करते, इमाम तो गया सजदे में, वो अब रुकू कर रहे हैं, या कभी वो आगे को बढ़ के पड़ोसी को देख रहे हैं, या कभी दाएं बाएं देख रहे हैं, या सजदे में वो टांग उठा के नीचे को पीछे वाले को देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसे पीछे खड़ा करना चाहिए, उसे पीछे ही खड़ा करें। लेकिन जो यकसुई से नमाज पढ़े उसको आपको पीछे करने की जरूरत नहीं है, उसे उसके हौसला बढ़ाने के लिए आगे खड़े रहने दिया करें, इसलिए इसका भी खास एहतमाम करें। और आखिरी बात आज के दर्स की, बातें तो और भी हैं बच्चों की तरबियत की, लेकिन इंशाल्लाह फिर अर्ज करेंगे, आज की जो मुझे आखिरी बात अर्ज करनी है वो ये कि अपने बच्चों को की अखलाकी जो बीमारियां हैं उनकी बड़ी फिक्र रखा करें। अखलाकी बीमारियां, अखलाकी बीमारियां क्या है, मिसाल के तौर पे वो दो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 7-8 साल का, बाहर खेलने जा रहा है, बाहर खेलने में जाने में वो बच्चों के साथ खेल रहा है, घर में आके वो गाली दे रहा है जबान से, फौरन उसकी चार्जिंग करें, फौरन इसलाह करें उसकी, ऐसे लड़कों के साथ ना जाने दें जहां पे बद अखलाकी पैदा होने का खतरा हो, जो गालियां वगैरह नाउजुबिल्ला सिखा रहे हो, झूठ बोलने की आदत पड़ रही हो। बच्चों को हमेशा इन बातों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए बच्चों की, कि वो झूठ ना बोले और जबान से गालियां ना दे, इस पे तवज्जो रखा करें। एक दो बार जब वो गाली दे तो इतनी बढ़िया उसकी इस्लाह करें कि फिर आगे वो डर जाए कि यार जिंदगी में गाली नहीं देगी मुझे, जिंदगी में नहीं देगी। आपको मैंने बताया था गालिबा कि हमारे जो बड़े भाई, उन्होंने एक मर्तबा कम उम्री में गाली दे दी, गाली दे दी, वाली साहब ने सुन ली उनके जबान से,
अब वो छोटे से थे 8-9 साल के, उनको ले करके गए पकड़ के छत पे, और छत पे ले जा करके टांगे पकड़ के उल्टा करके 2 मंजिलों से टांग दिया कि तुझे अभी छोड़ रहा हूं नीचे, गाली क्यों दी। अब वो वहां पे टंगे पड़े, चीखो पुकार हो रही है, मोहल्ले गली वाले सारे के सारे इकट्ठे, कहा इसने गाली दी है, आज छोड़ना नहीं इसे। हमारे भाई कहते उस दिन ऐसा लटका के लफ्जे गाली ही से नफरत होगी। गाली तो देना बहुत दूर की बात, लफ्जे गाली भी जबान पे लाने में डर लगने लगा कि अगर ऐसी शक्ति होगी तो फिर बच्चे की कभी हिम्मत नहीं होने वाली, फिर नहीं हिम्मत करेगी। आप बच्चों की छोटी छोटी बातों पे नजर रखा करें। बच्चे कभी कभी क्या करते, आपने भेजा उन्हें 10 रुपए ले गया कि बेटा जरा हरा धनिया हरी मिर्च ले आओ, 5 का हरा धनिया 5 की हरी मिर्च। अब पता है वो क्या करेंगे जाके, आप में भी बहुत सालों ने किया होगा, जाके कहेंगे 4 रुपए का हरा धनिया दे दो, 4 की हरी मिर्च, 2 रुपए बचा लेंगे अपने, 2 रुपए बचा लिए। इन बातों की निगरानी, मां बाप को पता लग जाता, एहसास हो जाता है, सारी चीजें पता लगती रहती है, लेकिन जहां 1 रुपए की खयानत हो सख्त कर दीजिए उनको, बनाइए उन्हें 20 मिनट मुर्गा घर के अंदर। जब ये टांगे सूझेंगी और पटे दुखेंगी और दर्द होगा टांगों के अंदर, तब इस जिंदगी भर के लिए इसलाह हो जाएगी कि 1 रुपया भी हमें मारने की या बगैर बताए रखने की इजाजत नहीं। जब ही से ये सबक आएगा दिमाग के अंदर। मुझे याद है एक मरतबा मेरा खुद मामला पेश आया, उस वक्त मेरी उम्र 11-12 साल रही होगी, तो चूंकि मेरी मौलवियत अल्लाह के फजल से 11 साल की उम्र में शुरू हो चुकी थी, जब 12वें साल में मैं था उम्र के, तो मौलवियत का मेरा 3रा साल चल रहा था, तो मैं मस्जिद में गया नगीना में, तो छोटा सा था, वहां पे नमाज के बाद में फजाइल आमाल होती थी, तो कोई था नहीं सुनाने वाला, किसी ने कहा भाई हाफिज जी तुम छोटे से बैठे हो, लाओ तुम ही पढ़ दो, 2-4 हदीस उर्दू आती हो, तो तुम मौलवियत पढ़ रहे थे, तो मैं किताब लेके बैठ गया पढ़ने लगा। वालिद साहब भी बैठे हुए थे, अब वो बैठे हुए, मैंने 2-4 हदीसें पढ़ी, उसके बाद बोरा हो गए। जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद वाली साहब ने मुझे बुलाया था कि तुमने जो हदीस पढ़ी थी उसका क्या मतलब बता रहे, क्या मतलब था। मैंने कहा मुझे मतलब कहां पता, मैं तो जब शुरुआत में था, मैंने कहा मुझे नहीं पता मतलब उसका क्या था मतलब। कहा कि जाओ और जाकर के दोबारा देखो और उसको पढ़ो, और जो कुछ समझ में आए वो आके मुझे बताना, अब जरा आराम से बैठ के पढ़ें। अब मैं आया मस्जिद में, आके बैठा पढ़ा, मुझे नहीं आया समझ में, मैंने कहा यार बाहर ही तो खड़े, मैं फजाइल आमाल लेके वहीं चला गया, मैंने कहा मुझे तो आ नहीं रहा, आप ही समझा दो, मुझे नहीं आ रहा। वो वहीं पे खड़े थे मस्जिद के दरवाजे के बाहर, और मैं उनके पास पहुंचा, और जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, वहां कम से कम 10-15 आदमी नमाज के बाद असर के बाद का मामला था खड़े थे, इतनी जोर से उन्होंने थप्पड़ मारा आज तक मुझे याद है। मैं भी हैरान, सारे लोग हैरान, और मैं चक्कर आ गए, मैंने कहा अल्लाह पता नहीं क्या हुआ। उस वक्त उन्होंने जुमला कहा कि तुझे पता नहीं ये किताब मस्जिद की, और मस्जिद की कोई चीज मस्जिद की हद से बाहर लाना जायज नहीं है, मस्जिद की कोई चीज मस्जिद की हद से बाहर लाना जायज नहीं है। अल्लाहु अकबर, वो दिन है और अब आज का दिन है। ऐसा ये सबक दिमाग के अंदर उतरा एक थप्पड़ की बरकत से कि ये बात दिमाग में फिट हो गई कि जो चीज अल्लाह के नाम पे वक्फ हो चुकी है, अब वो चीज पर्सनली तौर पे हम यूज कभी नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक थप्पड़ की तकलीफ कोई ज्यादा नहीं, लेकिन वो एक थप्पड़ जो जिंदगी भर का सबक लेकर के गया, वो सबक इंसान की जिंदगी में बड़ा काम आता है। अपनी औलाद की एक एक गलती के ऊपर सख्त नजर रखा करे, और वो ना तो आलिम थे, ना हाफिज, ना कारी, ना मौलवी, ना मुफ्ती, सिविल इंजीनियर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग, लेकिन क्या था, हजरत थानवी नव्वर अल्लाह मरकज़हू की किताबें पढ़ा करते थे, हजरत थानवी से इश्क और मोहब्बत था,
दुनियावी एतबार से सब कुछ पड़े हुए, लेकिन हजरत थानवी की किताबों की बरकत से अल्लाह ने ये दीन की समझ दे दी थी। तो अर्ज ये करना है कि अपनी औलादों की बड़ी बारीकी से निगाह रखें, तरबियत के ऊपर ध्यान दें, जहां कोई बद अखलाकी नजर आए थोड़ी ज्यादा भी सख्ती कर दें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि इंशाअल्लाह ये सख्ती ये तकलीफ तो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सख्ती जो सबक दे करके जाएगी वो सारी जिंदगी उसके काम में आएगा। अगर मोहब्बत से काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सख्ती से भी अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। आज की इस मजलिस में ये कुछ औलाद की तरबियत के ताल्लुक से जहन में बातें आई, सोचा आज यही बातें आपके सामने अर्ज कर दी जाए। अल्लाह से दुआ फरमाइए, अल्लाह खुद मुझको भी और आप तमाम हजरात को और हम सब की तमाम आने वाली नस्लों को दीन और शरीयत का पाबंद बनाए। अल्लाह हम सब की जिंदगियों में, हमारी औलादों की जिंदगियों में दीन को हमेशा के लिए पैदा फरमाए। इन बातों को जहन के अंदर रखें। तो खुलासा क्या हुआ है सारी बातों का, जरा उसका एक बार मुजाकरा कर लीजिए हल्का सा। कि सबसे पहले मैंने बताया, जब आप अभी हैं इस कंडीशन में, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने लिए और अपनी औलादों के लिए दीन पे कायम रहने की क्या करनी है, सब बोलिए दुआ करनी। अगर वो वाले कलिमात याद रहे जो हजरत इब्राहिम के थे तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो जो आप उर्दू में मांग सके वो अपनी दुआओं में एक मरतबा जरूर मांगना चाहिए। दूसरी चीज मैंने बताई कि जब बच्चे की विलादत हो जाए तो सबसे पहला काम अजान, कौन से कान में, और दूसरा काम इकामत, कौन से कान में, बाएं कान में। अजान और इकामत के साथ एक बात याद रखना, हुजूर की एक मुबारक सुन्नत भी है, उस पर भी अमल करना चाहिए कि किसी नेक आदमी से कुछ चीज ले जाएं जिसमें उसका लुआम मिला हुआ हो और वो ले जा करके बच्चे को चटा दिया करे, ताकि उसके पेट में जो गिजा जाए सबसे पहले वो चीज जाए जो किसी नेक आदमी के लुआम के साथ मिली हुई है। हमारे यहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सिलसिला चला आ रहा है कि हुजूर खजूर को हल्का सा चबा के देते थे कि बच्चों को ले जाके चटा दें। तो इसका भी एहतमाम अगर कोई कर सके तो कर लिया करे कि बच्चा होने के बाद कुछ और खाने पीने से पहले किसी नेक आलिम अल्लाह वाले से कुछ ले जाए खिला करके, और वो ले जा निकाल करके दे दे और वो ले जाकर बच्चे को हल्का सा चटा दिया करे। अब आप ये ना समझे कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है, यहां पर ये हदीस का मामला है। आजकल के हालात के एतबार से चाहे कोई एहतियात कर ले, लेकिन अगर किसी को हदीस के ऊपर अमल करना हो तो वो इस पर अमल कर सकता है। बहरहाल तीसरा काम ये करना है, जब सातवां दिन आएगा तो क्या करेंगे, पहला काम सातवें दिन सब बोलिए अकीका। लड़के के अंदर बकरा ही जरूरी है, बकरी भी चल जाएगी, बकरी भी चल जाएगी। और दूसरा अकीके के बाद बाल कटवाना, और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करना, और अगर अब तक नाम फाइनल नहीं हुआ तो सातवें दिन उसका नाम फाइनल कर दे। और नामों की तफसील आपके सामने मैंने अर्ज कर दी है। उसके बाद मैंने आपके सामने बताया कि तारीखी नाम की कोई खास फजीलत है नहीं है, अगर निकलवा भी रहे हैं तो उनको पहले किसी आलिम से चेक कराएं, अगर सही माना हो तो रखें वरना ना रखा करें। उसके बाद मैंने अर्ज किया आपके सामने कि बच्चों को हमें ये ध्यान रखना है कि संजा पेशाब पाखाना कराते वक्त उनकी पॉटी को किबले की रुख रखने की इजाजत है या नहीं है, नहीं है। इसका भी खास ध्यान रखें कि वहां भी नाजायज है, जिस तरह शरीयत ने बड़ों के अंदर इसको नाजायज करार दिया। नमाज कब से पढ़वानी शुरू करें, जब वो कितने साल के हों, सात साल के, और जब दस साल के हों तो थोड़ी बहुत सख्ती भी शुरू कर दें, तो फिर उस सख्ती के साथ उनको नमाज पढ़वाने का एहतमाम किया करें। और आखिरी चीज बताई कि बच्चों की अखलाकियात पे बहुत ध्यान दें,
क्योंकि जो आदत बचपन में पड़ गई वो फिर बचपन तक भी नहीं छूटनी। इसलिए अखलाकियात पे गाली देना, झूठ बोलना, पैसे को छुपा लेना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन पर ध्यान दें ताकि बच्चों में ये अखलाकी कमजोरियां ना पैदा हों। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब के लिए अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो हम लोगों का फिलहाल निजाम चल रहा था, ये मंगल में दर्स का होता था, लेकिन फिलहाल हालात की वजह से ये सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अब इरादा ये है कि इंशाल्लाह आगे 9 मार्च से, यानी आने वाला एक मंगल जो है ये छोड़कर उसके बाद वाले मंगल से अल्लाह ने चाहा तो बाज़ाब्ता हम दरसे कुरान ही का आवाज करेंगे इंशाल्लाह। तो 9 मार्च से हमारा अल्लाह ने चाहा दरसे कुरान का आगाज हो जाएगा। आप हजरात इंतमाम भी करें और इंतमाम के साथ साथ में दुआ भी करें, दुआ भी कि अल्लाह ताला हालात को साजगार रखें और मुआफिक फरमाए। वरना तो आपको तो सब पता ही है कि लोगों की नियतों के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हुकूमती सतह के ऊपर हालात ऐसे नहीं है कि वो काम किए जाएं। लेकिन बहरहाल जब काम हो ही रहा है तो इतना अरसा हो गया तो कुछ ना कुछ दरसे कुरान रमजान से पहले हो जाए तो उसकी निस्बत कुछ ना कुछ जुड़ जाएगी। तो इसलिए इरादा यह है कि इंशाअल्लाह 9 मार्च से उसका आगाज करेंगे। और आइंदा जो हफ्ते मंगल है, जो आने वाला मंगल है, उसमें ना तो ये वाला प्रोग्राम होगा ना दरसे कुरान होगा। अब इंशाअल्लाह 9 मार्च को आपसे यहां पर मुलाकात होगी। ये जो आने वाला मंगल है इसमें कोई प्रोग्राम नहीं, तो इसको भी जहन में रखें। ये असल में इसलिए हुआ, ये एक नागा की नौबत आई कि जब यहां सिलसिला सब बंद चल रहा था तो दूसरे सूबों से लोगों के प्रोग्राम के लिए फोन आ रहे थे कि आपके यहां तो हालात है नहीं और आप आम हालात में साल में आते नहीं है, तो इस वक्त में आप इधर के दौरे कर लें ताकि जो और इलाके हैं वहां भी कुछ प्रोग्राम हो जाए। तो मुझे पता नहीं था हालात का, तो 1.5-2 महीने से ज्यादा पहले फिर 2 सूबों का प्रोग्राम तय हुए थे, बंगाल और फिर बंगाल से पारी होकर के बिहार। इन दोनों जगहों पर कुछ प्रोग्राम है बयानात के सिलसिले में, तो मेरी सनीचर में यहां से रवानगी और जुमे में इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगा। तो एक हफ्ता इन दोनों जगहों के ऊपर लगेगा, कुछ प्रोग्राम बंगाल में है और कुछ प्रोग्राम बिहार में है। वहां से पारी होकर के आएंगे और इंशाअल्लाह फिर 9 मार्च से बाज़ाब्ता यहाँ पे तफसीर कुरान का आगाज करेंगे। आप सफर के लिए भी दुआ करें, अल्लाह खैर व आफियत के साथ में सफर की भी तकमील करा दे। मोबाइल पर अगर कॉल आ रही है और हमने मोबाइल जेब से निकालकर देख कर फोन कट कर दिया तो हमारी नमाज हुई या नहीं हुई? नहीं होगी, टूट जाएगी नमाज। और अगर रिंगटोन पर गाना लगा रखा था तो उसका क्या हुक्म है, नमाज खराब हो गई या नहीं? देखिए, रिंगटोन पे गाना हो या म्यूजिक हो, अगर जेब में रखे रखे उसे बंद कर दिया तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जेब से बाहर निकाला और फिर काटा है उसे, इससे नमाज फासिल हो जाती है। इसका ध्यान रखें, जेब में रखे रखे। और अब तो कोई परेशानी नहीं है, सब स्क्रीन टच बड़े बड़े फोन चल रहे, उसमें साइड का कोई सा भी बटन दबा दें आवाज खत्म हो जाती है, तो कोई परेशानी नहीं। जेब में रखे रखे जोर से भीज दे, कोई तो दबेगा, कोई सा तो दबेगा उसमें, तो जो भी दब गया आपका मकसद हासिल हो जाएगा। हाँ, कीपैड वालों में खतरा रहता था कि कहीं मोबाइल रिसीव भी होकर के हैंड फ्री ना हो जाए, चुनाचे ऐसे केस होते थे। लेकिन अब तो मोबाइल कीपैड वाले शाजो नादिर हैं, अल्लाह का शुक्र करा करें जिस दिन किसी की पैड की ज्यादत हो जाए, वरना तो अब कहां रखें। बहरहाल बाहर ना निकालें, जेब में रखे रखे बंद कर दें तो नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं जब कोई दवाई खाते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ये बात सही है? लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह से बरकत होती है, लिहाजा जब दवाई खाओ तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ो वरना दवाई में भी बरकत हो जाएगी। जालिम नहीं है, देखें हर चीज की बरकत अलग है, हर चीज की बरकत अलग है। दवाई में भी बरकत चाहिए,
दवाई की बरकत ये नहीं कि ये साल भर चलेगी, दवाई की बरकत ये है कि ये दवाई असर कर जाएगी। दवाई के अंदर बरकत का मतलब क्या है कि ये दवाई फायदा पहुंचाएगी। लिहाजा जब भी दवाई खाएं हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाएं, इसके अलावा और कोई वजीफा नहीं है, यही दुआ पढ़ करके हमें दवाई को खाना चाहिए। और अल्लाह ने चाहा बरकत होगी फिर इसकी वजह से, और बरकत की वजह से ये दवाई अल्लाह ने चाहा असर करेगी, और जब दवाई ने असर किया तो जाहिर सी बात है मर्ज खत्म होगा। अब हर जगह बरकत का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज ज्यादा हो जाएगी। हम लोग यही समझते हैं ना कि रुपये में बरकत का मतलब ये कि 10 रुपये में सारे दिन का खर्चा चल जाए, ये नहीं। हर जगह नहीं, हर चीज की बरकत अलग होती है। यहां बरकत का मतलब कि ये दवाई इंशाल्लाह शिफा पहुंचा देगी। अर्ज ये करना है कि जो लोग मरने के बाद सपने में आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं तो कुछ परेशान आते हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं। तो क्या वो उसी हालत में होते हैं जो हमें दिखते हैं, और हमें क्या करना चाहिए? देखें, इंतकाल के बाद अगर कोई शख्स आपके ख्वाब में आ रहा है, अगर अच्छी हालत में आया तो अल्लाह का शुक्र करें और उम्मीद ये रखें अल्लाह से कि ख्वाब में अच्छा आया है तो अच्छा ही होगा वहां पर। अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर कोई हमें बुरी कंडीशन में नजर आए तो उसका ज्यादा शोर ना करें किसी से। जो हमें गलत हालत में नजर आया उसको सवाब पहुंचाने का इहतमाम शुरू करें। जो भी हमारा रिश्तेदार है परेशान नजर आया, आप उसे इसाले सवाब का इंतमाम करें। तो कसरत के साथ में सवाब पहुंचाएं। अगर वो वाकई वहां परेशान था तो इंशाल्लाह सवाब पहुंचाने से उसे राहत मिलेगी, और अगर वो आराम से था और हमने सवाब पहुंचा दिया तो राहत में और इजाफा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों कैफियात में ये मामला आदमी को करना चाहिए। दुआ करो। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله ارحم الراحمين ہیں یا اللہ کریموں کے کریم ہیں یا اللہ اپنے کروڑوں نعمتیں ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں اے اللہ جہاں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو مغفرت کی نعمت بھی عطا فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ ہر طرح کی خطا کو ہماری درگزر فرما اے کریم اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ ہر طرح کی خیر کا معاملہ فرما یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پورے ملک میں خاص طور سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما یا اللہ جو لوگ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما یا اللہ پورے ملک میں پیار اور محبت کی فضا کو قائم فرما یا اللہ سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں اے اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو جانتے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی تمام حاجات کو پورا فرما یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کو سکون عطا فرما یا اللہ تمام لوگوں کی حاجات کو غیب سے پورا ہونے کے اسباب پیدا فرما اے کریم اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرما یا اللہ جو آگے درس قرآن کا ارادہ ہے اے اللہ اس کو بھی باعث اجر اور باعث نجات بنا یا اللہ عافیت کے ساتھ میں ہمیں اس میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.